रेवाड़ी शहर में बुधवार की देर रात झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर ही आरोपियों ने हमला कर दिया। एक होमगार्ड के सर में चाकू घोंप दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल होमगार्ड को ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। सिटी पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल बुधवार की देर रात करीब 10 बजे सिटी थाना एरिया में पड़ने वाले रेलवे स्टेशन के निकट मोहल्ला नई आबादी में झगड़े की सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस को बताया गया कि नई आबादी में एक घर में घुसकर कुछ लोग हमला कर रहे हैं। सूचना पाकर गोकरगेट पुलिस चौकी से एक हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार के साथ होमगार्ड अनिल कुमार व विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त बहस हो रही थी। दोनों पक्षों को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों में आपस में थप्पड़ मुक्के चल गए। इसी बीच पुलिस कर्मी ने बीच बचाव किया तो एक शख्स ने चाकू निकालकर मौके पर मौजूद होमगार्ड अनिल कुमार के ऊपर वार करने शुरू कर दिए। एक वार होमगार्ड अनिल कुमार के सर पर भी किया गया, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। होमगार्ड के चाकू लगते ही झगड़ा कर रहे तमाम आरोपी मौके से भाग गए। मौके पर मोहल्ले के लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद सिटी थाना प्रभारी राकेश कुमार के अलावा CIA इंचार्ज व अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे। घायल होमगार्ड को तुरंत ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। फिलहाल होमगार्ड के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं। आरोपियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस की अलग अलग टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।